हाल ही में जो आपके यूपीएससी एनडीए 1 2023 का एग्जामिनेशन हुआ है उसके रिजल्ट में अपना जगह सुनिश्चित किया है, तो इसके लिए बेटा बहुत बधाई देता हूँ, आपके पूरे परिवार को टीम WDA की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद एवरीवन। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में चयनित जो यूपीएससी के द्वारा एनडीए 1 2023 की लिस्ट जारी की रिटर्न एग्जामिनेशन की, उसमें जो चयनित छात्र हैं उनका साक्षात्कार किया जा रहा है ताकि आप बहुत कुछ सीख पाएं और आपके आने वाले रिटर्न एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएं। इसी कड़ी में मेरे साथ आज पिंटू कुमार जी हैं और पिंटू कुमार जी ने अभी हाल ही में जो आपके यूपीएससी एनडीए 1 2023 का एग्जामिनेशन हुआ है उसके रिजल्ट में अपना जगह सुनिश्चित किया है, तो इसके लिए बेटा बहुत बधाई देता हूँ, आपके पूरे परिवार को टीम WDA की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। तो जैसा हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं पहले बच्चे के बैकग्राउंड को जानते हैं कि बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, फिर उसने तैयारी कैसे शुरू किया है। तो बिल्कुल सेम सवाल आपसे भी होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा और आपने ये तैयारी किस तरीके से शुरू करी, आपके फैमिली बैकग्राउंड में कौन कौन है और क्या करते हैं। जैसे कि सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से जो कि उत्तर प्रदेश के लगभग बॉर्डर से ही है। तो जब मैंने एनडी का सितंबर वाला दिया था तो उसमें मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया था। तो लेकिन जब हाल तब उसी वक्त जब मेरे बगल में मोहल्ले में ऐसे कई लड़के आर्मी में सेलेक्ट हुए थे, खुद मेरा दोस्त भी आर्मी की रैली भर्ती में सेलेक्ट हुआ था, लेकिन फिजिकल में चेस्ट में वो निकल गया था। तो उसे एक मोटिवेशन था, माहौल था कि आर्मी हाँ ज्वाइन करना है। लेकिन जब रैली भर्ती के लिए मैं रेस के लिए गया था तो मुझसे रेस वगैरह नहीं हुई थी, मेरे हाइट भी 1.70 मीटर नहीं थी। okay. तो लेकिन जोश था कि हाँ आर्मी में जाना है, तो भैया ने बताया था कि तुमने एनडीए का एग्ज़ाम दिया है उससे तुम आर्मी जा सकते हो। लेकिन मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला था तो डीमोटिवेशन था। तो तभी भैया ने बताया कि लखनऊ में अच्छी कोचिंग्स हैं और तो उन्होंने वॉरियर डिफेंस एकेडमी के बारे में बताया। मैंने गूगल से सर्च किया, अपने मेरे जो कई मित्र थे जो WDA से पढ़ कर गए तो उनसे बात की, और मैंने यूट्यूब से भी सर्च किया, आपकी कई सारी मैराथन भी देखी, तो उससे लगा कि हाँ ये कोचिंग अच्छी है और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो टीम फैकल्टी भी अच्छी है। तो लेकिन जब मेरे एक और जो गांव के कुछ लड़के थे वो बोले कि नहीं तुम कोटा या सीकर जाकर देखो, वहाँ पर और अच्छी होती है। तो मैं कोटा और सीकर वगैरह भी गया था, लेकिन वहाँ की फीस थी एनडीए की वो अपना 1.5 लाख के करीब थी। अच्छा, इतने हाँ 1.5 लाख रुपये रिटर्न एग्जाम्स की नहीं, रिटर्न और उसमें दोनों मिला मिलाकर 1.5 लाख रुपये। तो लेकिन जब 1.5 लाख रुपये सुना तो हम सोचे कि IIT एंड नीट के लिए नहीं तैयारी करें, एनडीए की करें। तो वहाँ का माहौल भी थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा घुटन सी महसूस हो रही थी कि तो फिर गए नहीं कि फिर हम वहाँ से वापस आ गए। मैंने कहा भैया से कि यहाँ तो नहीं सिलेक्शन लेना है, क्योंकि थोड़ा वो सा लग रहा था कि इतने पैसे दे रहे हैं और अगर कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा अजीब सा लगेगा कि घर वाले बोले कि तुमने क्या किया वहाँ पर। तो जब मैं आया मैंने वॉरियर डिफेंस अकेडमी को ही अच्छा लगा और मैंने मैराथन देख के मैंने तुरंत बोल दिया कि अब कहीं और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सीधे लखनऊ चलते हैं और वहीं पर आते हैं। तो मैं अच्छा यहाँ की मैराथन चल रही थी यूट्यूब पर, मैराथन वो आपने देखी, वो आप वहाँ से आपने डिसाइड किया कि मुझे वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में पढ़ना है। जी सर। थोड़ा सा बेटा मैं बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा, ये बच्चे भी जानना चाहेंगे कि आप राजस्थान, हम लखनऊ में बैठे हैं और लखनऊ से राजस्थान की दूरी बहुत ज़्यादा है, आपका बैकग्राउंड क्या था, किस तरीके के परिवार में जो वर्क हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि आपने अपने परिवार से कहा और वो लखनऊ जैसे शहर इतनी दूर भेज दिए। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है? मेरे पापा खेती के साथ साथ दूध का भी काम करते हैं, वो डेयरी फार्म में काम करते हैं। तो वो उससे बस एक ही कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, अगर पैसे की ज़रूरत हो तो पैसे की चिंता मत करना, तुम्हें जो कोचिंग जो अकेडमी अच्छी लगती है उसमें तुम जा सकते हो। और मेरी मम्मी आंगनवाड़ी में आशा सहयोगिनी के रूप में काम करती हैं जी, तो थोड़ा पढ़ाई का माहौल भी था, मम्मी हमेशा मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती थी कि पढ़ लो ज़िंदगी में। वहाँ से कहीं ना कहीं एक अंदर था आपके कि फ़ौज में चली जाना है, आपको एक माहौल मिला और फिर आपने लखनऊ डिसाइड किया और लखनऊ आ गए, आप अपनी तैयारी शुरू कर दी। बहुत आपने कम समय में अपनी सफलता अर्जित की है और आपने बताया जैसे कि आप घर पे एक बार थे, वहाँ से पेपर दिए, पास नहीं हो पाए और फिर यहाँ आके आपने तैयारी करी। तो जब घर में आप पढ़ाई करते थे एक अलग सा माहौल था, एक अलग आपका विजन था, जब आप वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी यहाँ लखनऊ में आए तो आपका विजन में परिवर्तन कैसे आया, आपकी प्लानिंग में चेंजेस क्या आया, ऐसा क्या आपके साथ हुआ कि आप इस वाले पेपर को क्वालिफाई कर ले गए? सर जब मैंने सितंबर वाला दिया था तो ठीक से प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं बन पाई थी मेरी,
और लेकिन जब मैं यहाँ पर आया था तो आपका स्टडी मटेरियल मिला था, जो बुक्स भी मिली थी वो बहुत ही अच्छा कंटेंट था उनका, और प्रॉपर अब स्टडी टाइम टेबल दिया गया था कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, बिल्कुल मतलब प्रॉपर टाइम बताया गया था कि इस सब्जेक्ट पर इतना फोकस करना है, इस सब्जेक्ट से इतने मार्क्स का ये चैप्टर है तो उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा लगाने हैं, और यहाँ पर ग्रुप्स भी बने हुए थे और डेली सैटरडे को मॉक टेस्ट होता था, और उसके साथ साथ यहाँ पर फुल लेंथ भी मॉक टेस्ट हुए थे जो कि बहुत हेल्प करते थे। इससे हमें हमारी वीकनेसेस का पता चला कि और हमें कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, कौन सा एरिया जो हमारा कमज़ोर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो इससे कि कई सारे मॉक टेस्ट देने थे, 6 महीने के बैच लिया था तो उससे बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, और अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आता था तो मैं सर से रात में भी अगर कॉल करता था तो वो मुझे सॉल्यूशन बताते और अलग से भी टाइम देकर बताते थे। यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह की फैकल्टी होने की वजह से मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था रात भर, और संडे को भी मैराथन होती थी तो बहुत अच्छा यहाँ पर, और क्योंकि पूरे दिन पढ़ने के अलावा कुछ और काम नहीं होता था और पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता था तो मैं पढ़ता ही रहता था और आज अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया। चलिए, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इसके लिए, और आपने इफ़र्ट्स बहुत लगाए, आपका जो इफ़र्ट्स था वो बिल्कुल जो आपकी बातों से है वो दिख रहा है कि आपने पढ़ाई के साथ में जो क्लासरूम का प्रोग्राम था उसके साथ में आपने खुद से कितनी मेहनत करी है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, और आपने ये प्रूव कर दिया कि अगर एक सही गाइडेंस बच्चे को मिल जाए और बच्चे के अंदर मेहनत करने की क्षमता है तो बच्चा बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके जो पेरेंट्स हैं बहुत आज प्राउड फील कर रहे होंगे, जो UPSC जैसे एग्ज़ाम्स को आप क्वालिफाई किए हैं, एक जैसे आप लोगों को अपने आसपास देखकर मोटिवेट हुए कि मुझे आर्मी में जाना है, ऐसे आपको भी देखकर सैकड़ों युवा आपके आसपास के आपको देखकर वो मोटिवेट होंगे और आगे बढ़ने का अपना सपना बनाएंगे। और मैं वॉरियर्स की तरफ से आपको बस इतना ही फिर से एक आशीर्वाद हर बच्चे के लिए हमारा होता है, आपके लिए एक स्पेशल आशीर्वाद है क्योंकि आपने एक फेज़ अपना निकाल लिया है, आपका दूसरा SSB बचा हुआ है, तो आपके अपकमिंग SSBs के लिए बेटा ढेरों शुभकामनाएं पिंटू, और जिस लगन के साथ आपने पढ़ाई करी है बिल्कुल इसी लगन के साथ, SSB आपकी एक पर्सनैलिटी है, एक बेसिक नॉलेज कैसा है, सेंस कैसा है, आप किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आपको क्या ये बात पता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, एक्शंस हमारे कैसे होने चाहिए, वो क्लासरूम में आपके जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग बोर्ड्स के रिटायर्ड हैं, चाहे वो GTO हो चाहे साइकोलॉजिस्ट हैं, अब आपकी क्लासेस शुरू होंगी, वहाँ कराई जाएंगी, और ये ढेर सारे बच्चे जो आपको वॉच कर रहे हैं, आपका आज इंटरव्यू देखे हैं, आपसे बहुत इंस्पायर भी हुए होंगे कि एक मध्यम परिवार से उठ के लखनऊ जैसे शहर में रहना आपके लिए बड़ी बात होती है, फिर भी हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा टॉप पर जाए, और वो हर परिश्रम करता है अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए, और वो आपने प्रूव करके आज दिखा दिया कि अगर माँ बाप किसी भी बच्चे पे भरोसा करें तो वो बच्चा माँ बाप को प्राउड फील करा सकता है। बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट बेटा, जय हिंद।